सो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कुछ इस प्रकार की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। आप अपने फेस पर कट कैसे मार सकते हैं, हेयर पर कट कैसे मार सकते हैं, अपने फेस को वाइट कैसे कर सकते हैं, अपने फेस को बहुत ही HD में स्मूथ कैसे कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ बस एक ही वीडियो में। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते होंगे आज, तो आपको अगर कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं एक ही वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूँ, बहुत सारे सीक्रेट ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जैसे आप अपने हेयर को एडिट कर सकते हैं, अपने हेयर पर कट मार सकते हैं, आप अपने फेस को स्मूथ कर सकते हैं, आप अपने हेयर को इस प्रकार का कर सकते हैं बस एक वीडियो में गाइस। बस आपको ये एक वीडियो को फुल वॉच करना है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है गाइस, क्योंकि मैं इसमें आपको डिटेल में बता रहा हूँ। बस आप वीडियो में बने रहिएगा, सिंपली 12 से 15 मिनट आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरीका से फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं और बहुत ही मस्त तरीका से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला स्टेप जो हमारा है ना गाइस, वो पहले अपने फ़ोटो को बैकग्राउंड का कलर चेंज करें। जब भी आप अपने फ़ोटो को स्मूथ चाहे एडिट करें तो अपने बैकग्राउंड का कलर को चेंज करें। तो सिंपली यहाँ से मैं स्नैपसीड ऐप पर जाता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप लोग को अगर ये ऐप नहीं मिलता है तो ये आप मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आप इसको एडिटिंग करने के भी नहीं आता है तो आप ये वीडियो देख के बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो टूल्स में आपको जाना है। टूल्स में जाने के बाद सिंपली ट्यून इमेज जो होता है गाइस, उसको आप लोग को क्लिक कर देना है। ट्यून इमेज पर क्लिक करने के बाद इसका ब्राइटनेस को बढ़ा देना है, कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा इंक्रीज कर देना है, सैचुरेशन को फुल माइनस में रख देना है, एम्बियंस को आप लोग ज़्यादा रख लीजिएगा, हाइलाइट्स को माइनस रख लीजिएगा, शैडोज को थोड़ा सा माइनस के साइड रख दीजिए। तो इतना सेटिंग करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए आप लोग सेटिंग, मैं इसी प्रकार का सेटिंग रखा हूँ। आप चाहते तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, क्योंकि आप इसे भूल लेना, ये बहुत ही मस्त ट्रिक है गाइस। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पर इतना करने के बाद सिंपली आप लोग को शेयर पर आप लोग को क्लिक नहीं करना है, मैं शेयर पर क्लिक कर दिया। सिंपली आप लोग को इस वाले एरो पर क्लिक करना है, ये लोग आप देख सकते हैं। इस पर आपको व्यू एडिट्स जो ऑप्शन है गैस, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो व्यूड एडिट्स का ऑप्शन है उसको आपको क्लिक कर देना है। व्यू एडिट्स पर क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोग को ब्रश वाले टूल पर जाना है। इसका मैं इन्वर्ट कर लेता हूँ। अब आपको सेटिंग देखिए क्या रखना है गैस, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग को ये ऐसे रखना है, ये वाला ऐसे रखना है और इसको जीरो कर देना है। इतना सेटिंग आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ये बहुत ही मस्त सेटिंग है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेटिंग है गाइज। ये गर्लफ्रेंड का सेटिंग नहीं है, इम्पॉर्टेंट सेटिंग है। सिंपली अपने से फेस पर से इसे इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं जल्दी जल्दी इस फेस पर से इरेज कर लेता हूँ, जिसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही धीरे धीरे आप लोग इस फेस पर से इसे रिमूव करिए गाइज। अगर आप लोग जल्दी जल्दी इसे फेस पर से रिमूव करेंगे तो आपका एडिटिंग बहुत ही मस्त नहीं होगा, आपको एडिटिंग ख़राब हो जाएगा, बेकार लगने लगेगा। तो आप लोग को धीरे धीरे इसे फेस पर से स्मूथ को हटाना है। मैं जस्ट आप लोग का टाइम बचाने के लिए ये कर रहा हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी इसे कर लेता हूँ, आप लोग आराम से कीजिएगा। तो ये देखिए, मैं इसे बढ़िया तरीका से रिमूव कर लेता हूँ अपने हेयर पर से, अपने फेस पर से। और ये देखिएगा, इरेज करते वक्त हमारा थोड़ा सा यहाँ पर सेट पर आ गया था, तो मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। इतना करने के बाद सिंपली गाइस आप लोग इसको डन कर दीजिएगा। डन करने के बाद हमारा स्नैपसीड ऐप का जो काम था वो हो गया, बिफोर आफ्टर आप लोग देख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से पहले आप लोग को डिटेल्स में थोड़ा सा स्ट्रक्चर बढ़ा लेना है, इसमें थोड़ा फीका फीका फ़ोटो लग रहा है गाइस, तो मैं इसे स्ट्रक्चर बढ़ा लेता हूँ, शार्पनिंग भी इसको इंक्रीज कर दूँगा। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए गाइस, मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप अपने फेस को स्मूथ कैसे कर सकते हैं और अपने हेयर पर कट कैसे मार सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लाइटरूम में जाता हूँ, सिंपली यहाँ से इसे लाइटरूम में जाने के बाद ये देखिए गाइस, मैं लाइटरूम में चला गया हूँ। लाइटरूम में जाने के बाद आप लोगों को सिंपली फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आप लोगों को क्या करना है, इसका हम लोग पहले लाइट का एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि हमारा फ़ोटो बहुत ही फीका फीका लग रहा है, कुछ लग ही नहीं रहा है कि एडिटिंग हुआ है। तो इसका मैं कॉन्ट्रास्ट बढ़ा लूँगा,
हाइलाइट्स को मैं माइनस रखूँगा और शैडोज़ को इंक्रीज कर लूँगा गाइस सिंपली, और इसका ब्लैक्स में माइनस कर लेता हूँ। इतना आप लोग को सेटिंग देखे ही रखना है। आप इसमें आप बार बार बोल रहा हूँ आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो आप भूत ला जाइएगा। तो सिंपली आप लोग को यहाँ से जाना है मिक्स वाले टूल पर। मिक्स वाले टूल पर जाने के बाद आप लोग को जो ये ऑरेंज का मैं सर्कल किया हूँ उस पर जाना है, और आपको इसका सैचुरेशन देखिए इतना 36 रख देना है और लुमिनस इंक्रीज कर देना है। इतना करने हमारे फोटो का क्लैरिटी देखिएगा इसका कितना मस्त फेस स्मूथ हो चुका है, और ये फोटो बहुत ही गोरा लग रहा है गैस, बहुत ही वाइट लग रहा है। तो यहाँ पर मैं इस पर चल जाता हूँ। ये हमारे लिप का कलर, तो ये देखिए मैं इसका सैचुरेशन बढ़ाया, तो लिप हमारा थोड़ा सा रेडिश हो रहा है, इसका मैं लुमिनस करूँगा तो और अच्छा ही होगा। तो इतना करने के बाद हमारा जो बिफोर और आफ्टर फोटो ये कुछ इस प्रकार का बन को आया गैस। तो इतना करने के बाद सिंपली आप लोग को फोटो को यहाँ से क्लैरिटी वगैरह थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं इस फोटो में। तो यहाँ से मैं इसमें जाऊँगा, क्लैरिटी थोड़ा सा कर लूँगा, विग्निटी को मैं माइनस की साइड रखूँगा। इतना करने के बाद आप लोग का इसका जो काम है गैस वो हो चुका है लाइटरूम का। अब मैं वो सीक्रेट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो में अभी तक यहाँ तक बने हुए हैं तो थैंक यू गैस। सिंपली यहाँ से उस फोटो को शेयर कर लेते हैं गैस। शेयर करने के बाद हम इसको लेकर चलेंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर। तो यहाँ से मैं स्केचबुक जो पेंसिल वाला ऐप है उसमें मैं चले जाता हूँ गैस। इतना करने के बाद मैं इसके टूल्स पर क्लिक करता हूँ। मैं इस फोटो इस वीडियो में आपको बहुत ही सीक्रेट ट्रिक बताने वाला था, वो इस ऐप में मैं बताऊँगा। आप लोग को टूल्स पर क्लिक कर देना है। आप लोग जैसे ही टूल्स पर क्लिक करते होंगे गाइस तो बहुत सारा ऑप्शन होता है। बहुत सारे यूट्यूबर का वीडियो देखेंगे कि कोई भी टूल से वो फेस का स्मूथ कर लेता है, लेकिन नहीं गाइस, फेस स्मूथ के लिए जो टूल बना है ना गाइस वो ये है। इस बाकी जो यूट्यूबर बताते हैं आपको गलत बताते हैं गाइस, फेस स्मूथ के लिए यही टूल परफेक्ट रहता है, जिससे हमारा फेस बहुत ही मस्त रियलिस्टिक स्मूथ होता है गाइस, जो कि बहुत ही आसानी से होता है। सिंपली आप लोग इसका सेटिंग देख सकते हैं एक एक, और मैं साइज को अपने हिसाब से रखा। तो अब मैं बताऊंगा गैस आप अपने फेस को बढ़िया तरीके से कैसे स्मूथ कर सकते हैं। अब जब भी फेस स्मूथ कीजिएगा तो पहले इसे ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा कि हमको ये पार्ट का पहले स्मूथ करना है। तो मैं ये पार्ट को पहले बढ़िया तरीके से इसे स्मूथ कर लेता हूं गैस। आप लोग देखिए मैं चारों तरफ से इसे घुमा घुमा कर स्मूथ कर रहा हूं। तो आप लोगों को भी चारों तरफ से ऐसे घुमा कर ये स्मूथ करना है गैस। अगर आप चाहें कि एक ही बार में पूरा ब्रश को घसीट दूँ तो बहुत ही बेकार स्मूथ लगने लगेगा, बहुत ही फीका फीका स्मूथ रहेगा, रियलिस्टिक स्मूथ आप लोग नहीं कर सकते हैं गैस। तो ये देखिए गैस मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसे फेस पर स्मूथ कर रहा हूँ, आप लोग भी इसी तरीके से कीजिएगा। और अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए तो थैंक यू गैस। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर ही दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मुझे लगता है 48 का जो स्मूथ पार्ट है वो हो चुका है गैस। तो ये देखिए मैं घुमा कर देख रहा हूँ कि मेरा फ़ोटो बढ़िया से स्मूथ हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए मेरा फ़ोटो काफ़ी मस्त 48 पर स्मूथ हो चुका है। और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा चीक यानी गाल का आता है गैस। तो मैं गाल का हमारा इतना पार्ट है दाढ़ी छोड़ कर, पहले मैं अब मैं इसे स्मूथ करूँगा। तो सिंपली मैं इसे स्मूथ कर लेता हूँ। इसमें भी आपको घसीटना नहीं है गैस, सिंपली आसान तरीका से इसे स्मूथ करना है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपको ऐसे स्मूथ करना है गैस। तो ये देखिए मैं इस प्रकार से इसे स्मूथ कर रहा हूँ, आप लोग भी कुछ इस प्रकार से ही ऐसे स्मूथ कीजिएगा गैस। तो ये देखिए गैस मैं इस प्रकार से इसे स्मूथ कर रहा हूँ, और जब आपका स्माइल वाला फ़ोटो हो उसको मतलब कि जो डिम्पल साइड रहता है उसको बढ़िया से स्मूथ कीजिएगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा। ये देखिए मैं इसे एक लाइन में नहीं मिलाऊंगा, इसे मैं थोड़ा सा बीच बीच में रहने दूंगा। आपको पहले समझना होगा गैज कि आपका फ़ोटो किस प्रकार का है, किस प्रकार स्मूथ कर सकते हैं। देखिए गैज मैं इस पार्ट को स्मूथ किया हूँ तो हमारा जो बगल वाला पार्ट है वो कैसा लग रहा है आप लोग खुद ही डिफ्रेंस देख सकते हैं गैज। जो ये पार्ट का स्मूथनेस है और ये पार्ट का बहुत ही नेक्स्ट लेवल लग रहा है ये पार्ट वाला, राइट साइड वाला। तो पहले अब मैं इसे स्मूथ करूंगा, तो इसे मैं स्मूथ कर लेता हूं सिंपली यहां से।
तो ये देखिए गाइस, मैं इसे स्मूथ कर रहा हूँ और मैं बहुत ही अच्छी तरीक़ा से, मैं वीडियो को फास्ट नहीं किया हूँ इसलिए कि आप बहुत ही अच्छी तरीक़ा से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फेस स्मूथ कैसे कर सकते हैं गाइस। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को अभी तक फास्ट नहीं किया हूँ कि आप लोग अच्छी तरीक़ा से समझ सके। मैं हर वीडियो में फास्ट करके चला जाता था, आप लोग को कुछ समझ में नहीं आता था, तो मैं ऐसे ही इस प्रकार ऐसे ही स्मूथ कर रहा हूँ इसको। इतना स्मूथ करने के बाद जो हमारा आई का जो पार्ट होता है गाइस, वो हमको सावधानी से स्मूथ करना पड़ता है। जो ये पार्ट पहले आपको स्मूथ अप करना पड़ेगा बहुत ही अच्छी तरीक़ा से। ये जो पार्ट होता है ना गाइस, बहुत ही मेन पार्ट होता है स्मूथ करने का। तो ये देखिए, मैं इस पार्ट को इस प्रकार से स्मूथ कर रहा हूँ और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने आईब्रो पर कट कैसे मार सकते हैं। तो वीडियो को देखते रहिएगा गाइस। तो ये देखिए गाइस, मैं अच्छे तरीक़ा से इसे स्मूथ कर लेता हूँ। जो हमारे आई का जो साइड है, चाहे हमारे नोज पर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है गाइस फेस स्मूथ का। तो सिंपली मैं इसे स्मूथ कर लेता हूँ इस प्रकार से। वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा गाइस। मैं बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आपको बता रहा हूँ कि आप अपने फेस को स्मूथ कैसे कर सकते हैं। इतना करने के बाद जो हमारे साइड का जो पार्ट रहता है, मैं उसे लास्ट में स्मूथ करता हूँ, मिला करके अच्छा लग रहा है हमारा फ़ोटो कि नहीं लग रहा है। तो आप लोग को भी कुछ इस प्रकार से ऐसे ही स्मूथ करना है गाइस। अब मैं थोड़ा सा इस पार्ट का जो थोड़ा सा स्मूथनेस है इसको मैं कर लूँगा, काफ़ी फ्रेंच कट थोड़ा सा अच्छा लगेगा गाइस, देखने में काफ़ी बॉम्ब लगे, बहुत ही अच्छी तरीक़ा से लगे, इसलिए मैं इसको स्मूथ कर लेता हूँ। तो ये देखिए, मैं इस प्रकार से इसे स्मूथ कर लेता हूँ। फोरहेड पर थोड़ा सा अच्छी तरीक़ा से कर लेता हूँ, हमारा फ़ोटो काफ़ी मस्त लग रही है गाइस। अब हम अपने नेक पर इसे स्मूथ करेंगे इसे, तो सिंपली मैं साइज को बड़ा करके नेक पर स्मूथ कर लेता हूँ अच्छी तरीक़ा से। अब मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस कि आप अपने हेयर पर कट कैसे मार सकते हैं। आप लोग बहुत के फ़ोटो में देखे होंगे कि आप बहुत ही ज़बरदस्त लुक रहता है हेयर का, हेयर पर कट रहता है, आईब्रो पर कट रहता है, तो आप लोग को लगता होगा कि कैसे इसने किया है। तो बस आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा पूरा, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा गाइस, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सिंपली यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ ऐसे। थोड़ा सा मैं हेयर पर मैं कर लेता हूँ, देखिए कितना मस्त सॉफ्ट स्मूथ होकर हो चुका है गाइस, बहुत ही झकास लग रहा है हमारा ये फोटो, बहुत ही बॉम्ब लग रहा है। बस 10 मिनट में हम अपने फ़ोटो को कुछ इस प्रकार का एडिट कर लिए गाइस, बहुत ही कम समय में अपने फ़ोटो को कुछ मस्त एडिट कर चुके हैं। बस आपको आईब्रो पर कट करना है तो सिंपली आप लोग को इस टूल्स पर जाना है गाइस। इस टूल पर जाने के लिए आपको बाद जो ये वाला टूल है, देखिए गाइस मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये टूल है ना गाइस, ये बहुत ही अच्छी तरीक़ा से कट करता है आईब्रो पर चाहे हेयर पर। तो इसका आप लोग सेटिंग देख सकते हैं, सेटिंग में आपको इतना रखा हूँ 10, 12, और साइज को अपने हिसाब से देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ कैसे रखना है। और आपको गाइड्स पर जाना है, जो ये पर यहाँ पर देखेगा जो गाइड्स का टूल होता है, इसको आप लोग को क्लिक कर देना है। सिंपली अपने फ़ोटो को आपको जूम कर देना है, जूम करने के बाद ये गाइड्स को सिंपली वैसे सीधा रख देना है और आपको कट मारना है गाइस। ये देखिए कितना मस्त हमारा कट लग रहा है गाइस, काफ़ी झकास लग रहा है देखने में, फ़ोटो की क्लैरिटी को भी बहुत अच्छी तरीक़ा से बढ़ा दिया है गाइस, ये देखिए। तो आपको कैसा लगा ये ट्रिक गाइस, हमको ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। अब अपने आईब्रो पर इसे कट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ये देखिए, इसको ऐसे गाइड्स को कर लीजिएगा।
ये देखिए कितना मस्त लग रहा है गाइस हमारा फोटो, कितना बॉम्ब लग रहा है। बस 10 से 15 मिनट में अपने फोटो को कुछ इस प्रकार की एडिटिंग कर लिए गाइस। बहुत एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन मैं आपको बस 10 से 15 मिनट में बता रहे हैं बड़ा हूँ कि आप इस प्रकार की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। इतना करने के बाद गाइस आपको ये स्मज वाले टूल से इसको मिला लेना है। तो मैं स्मज वाले टूल से इसे मिला लेता हूँ चारों तरफ से, ताकि देखने में कुछ रियलिस्टिक लगे। तो ये देखिए गाइस कितना बॉम्ब लगा रहा है, बॉम्ब लग रहा है हमारा फोटो, बहुत ही अच्छा लग रहा है फोटो। आप लोग खुद कमेंट करके बताइए गाइस कि कैसा लग रहा था ये फोटो। और आपको हेयर को एडिट करना है गाइस, आप हेयर को अपने से भी तरीके से एडिट कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए ये टूल है गैस स्मज। में मैं बताया ना गैस, मैं स्मज टूल में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एडिटिंग बता सकता हूँ। ये देखिए इतना रखना है सिंपली आप लोग को। इतना करने के बाद सिंपली आप लोग को गैस फोटो को जूम करना है और हेयर को कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरह खींचना है गैस। तो ये देखिए ऊपर की तरह आप लोग खींच लेगा आराम से। मैं वीडियो को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ गैस। तो ये देखिए ऊपर की थोड़ा सा ऐसे खींच रहा हूँ इसे। तो आज की वीडियो में बस इतना है गैस। तो आप लोग कमेंट ज़रूर से कीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो में जो मैं फ़ोटो एडिट किया हूँ वो आपको कैसा लगा। तो चलिए गैस मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गैस, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।